हेलो एंड वेलकम बैक टू फिट फूडी मेघा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है। आज हम लोग एक वापस बहुत इंटरेस्टिंग और इजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी बना रहे हैं, जो है कि बेजिल पेस्टो। अगर आप ये बेजिल पेस्टो बना के रखते हैं तो आपका पास्ता जो है बहुत जल्दी बन जाता है। आप पेस्टो पास्ता बना सकते हैं, सैंडविच के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बेजिल पेस्टो कैसे बनता है। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स है वो आप पहले नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1.5 कप बेजिल और 1/2 कप काजू। आप पाइन नट्स भी यूज कर सकते हैं, ओरिजिनली तो पाइन नट्स ही यूज होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप काजू यूज कीजिए। पार्मेजान चीज, लहसुन की कलियां और नमक और काले मिर्च और साथ में ऑलिव ऑयल, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। यूजुअली तो बेजिल के पास्ता के अंदर बेजिल डलता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप पालक और धनिया भी यूज कर सकते हैं। अभी एक मिक्सर जार में मैंने काजू डाला है, लहसुन डाला है, ये बेजिल की पत्तियां मैं डाल रही हूँ। इसके बाद नमक डालूंगी और थोड़ी काले मिर्च क्रश करेंगे, पार्मेजान चीज डालेंगे, ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसका ढक्कन लगा के हम लोग इसको क्रश कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ब्लेंड होने के बाद इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है। और साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि विद इन 2 मिनट्स ये बेजिल पेस्टो रेडी भी हो गया है। इसको आप स्टोर कीजिए, ऑलिव ऑयल डालकर रखिए और रेफ्रिजरेटर में आप आराम से इसको 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपके पास बेजिल नहीं है तो आप पालक या हरा धनिया भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइन नट्स नहीं है तो आप काजू या बादाम यूज कीजिए, जो भी हो लेकिन बनाइएगा जरूर। अंटिल देन, बाय, एंजॉय।